अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉरवर्ड पब्लिक स्कूल ई लर्निंग क्लास फोर्थ। कॉन्ग्रेचुलेशन स्टूडेंट्स, यू आर प्रोमोटेड टू क्लास फोर्थ एंड दिस इज़ योर न्यू एकेडेमिक सेशन 2021-2022 एंड आई एम योर जर्नल साइंस टीचर। माई नेम इज़ सादिया सईद। नाउ लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर ऑफ योर मिड टर्म सेलेबस, अंडरस्टैंडिंग आवर सेल्व्स पार्ट वन। Students, this is your new general science book. Open your books at page number 3. Hold your pencils in your hands. Underline the words and write down the difficult meanings as well. The name of the chapter is Understanding Ourselves. Khud ko samajhna. Human body. The human body is like a machine where different body parts work together. How this machine human body is developed is discussed below. Human body, insani jism. इंसानी जिस्म एक मशीन की तरह है जहाँ पे मुख्तलिफ हिस्से मिलकर काम करते हैं। ये मशीन इंसानी जिस्म किस तरह से बनी हुई है इस पर हम आज बात करेंगे। सेल, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म, लाइक ब्रिक इज अ बेसिक बिल्डिंग यूनिट ऑफ अ ब्रिक वॉल। सेल खुलिया, खुलिया किसी भी इंसानी जिस्म का बुनियादी अंसर है, जिस तरह एक इमारत बनाने के लिए ईंट बुनियादी चीज़ है, क्योंकि ईंट के बगैर इमारत खड़ी नहीं हो सकती। टिशू, कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर सेल्स मेक टिशू, अ पर्टिकुलर टिशू परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर फंक्शन। टिशू बाफ्त, तमाम सेल्स मिलकर टिशू बनाते हैं, हर टिशू अपना काम करता है। मसलन हड्डी, हड्डी जिस्म को हरकत देने और बनावट में मददगार होती है। ऑर्गन, टिश्यूज एसोसिएट टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन, फॉर एग्जाम्पल स्टमक। ऑर्गन अजू, तमाम टिश्यूज मिलकर अजू बनाते हैं, मसलन मैदा। मैदे का काम खुराक को हजम करना है। ऑर्गन सिस्टम, डिफरेंट ऑर्गन्स कंबाइन टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम, अज़ा का निज़ाम, मुख्तलिफ अज़ा मिलकर अज़ा का निज़ाम बनाते हैं, मसलन निज़ाम इन्हज़ाम। ये मुँह, खुराक की नाली, मैदा, छोटी बड़ी आंत, जिगर, लबलबा, पित्ता और मकत पर मुश्तमिल है। ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम्स कोऑर्डिनेट टू फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन। ऑर्गेनिज्म, इंसानी जिस्म की साख्त, तमाम अज़ा का निज़ाम मिलकर इंसानी जिस्म की साख्त बनाता है। Look at the structure of all living organism including humans. It consists of cell, tissue, organ, organ system and organism. Come to page number 4. Major parts of human body. Following are the major parts of human body along with their functions. Teeth. The hard bony structure in the mouth cavity are called teeth. They are formed of calcium depending upon age. There are two sets of teeth, milk teeth and permanent teeth. इंसानी जिस्म के ख़ास हिस्से, अब हम इंसानी जिस्म के ख़ास हिस्सों और उनके कामों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे दांत। हमारे मुंह के अंदर हड्डियों की तरह की बनावट दांत कहलाते हैं। ये कैल्शियम से बनते हैं। हमारी उम्र के मुताबिक दांतों के दो सेट होते हैं, दूध के दांत और मुस्तकिल दांत। मिल्क टीथ, दीज टीथ अपीयर आफ्टर 7 months ऑफ एज एंड फॉल डाउन आफ्टर 7 years ऑफ एज। दूध के दांत, ये 7 माह की उम्र के बाद निकलते हैं और 7 साल की उम्र के बाद गिर जाते हैं। परमानेंट टीथ, दीज आर द परमानेंट सेट ऑफ टीथ, दीज टीथ अपीयर व्हेन मिल्क टीथ फॉल ऑफ, एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग हैज 32 परमानेंट टीथ। मुस्तकिल दांत, ये मुस्तकिल दांत कहलाते हैं। ये तब निकलते हैं जब दूध के दांत गिर जाते हैं। एक जवान इंसान के 32 मुस्तकिल दांत होते हैं। टाइप्स ऑफ टीथ, यू मे हैव नोटिस दैट योर माउथ कैविटी कंटेन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। दांतों की किस्में, आपने गौर किया है कि माउथ कैविटी में मुख्तलिफ किस्म के दांत होते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं कि माउथ कैविटी क्या है? माउथ कैविटी हमारे मुंह का ये वाला हिस्सा कहलाता है जिसमें दांत, हमारी जबान और जबड़े शामिल हैं। देयर आर 4 types ऑफ टीथ, इंसाइजर, कैनाइन, मोलर एंड प्रीमोलर।
Functions of different teeth. Incisor. The function of incisor teeth is cutting and biting of food. There are two types of incisor, central and lateral incisor. Incisor, ये हमारे सामने वाले दांत कहलाते हैं, चार ऊपर और चार नीचे. ये खुराक को काटने के काम आते हैं. इंसाइजर की दो किस्में होती हैं, सेंट्रल इंसाइजर हमारे दरमियान वाले दांत कहलाते हैं और लेटरल इंसाइजर हमारे सामने वाले के साथ वाले दांत कहलाते हैं. कैनाइन, द फंक्शन ऑफ कैनाइन टीथ इज टीयरिंग ऑफ फूड. हमारे मुंह के नुकीले दांत कैनाइन टीथ कहलाते हैं. इसको इनको ड्रैकोला टीथ भी कहा जाता है. ये खुराक को चीरने के काम आते हैं. टू पेज नंबर 5, प्रीमोलर. द फंक्शन ऑफ प्रीमोलर टीथ इज च्यूइंग ऑफ फूड. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रीमोलर टीथ, फर्स्ट प्रीमोलर एंड सेकेंड प्रीमोलर. प्रीमोलर हमारे मुंह में ऊपर वाले चौड़े और मजबूत दांत प्रीमोलर कहलाते हैं. ये खुराक को चबाने के काम आते हैं. इसकी दो किस्में हैं, फर्स्ट प्रीमोलर एंड सेकेंड प्रीमोलर. मोलर, द फंक्शन ऑफ मोलर टीथ इज ग्राइंडिंग ऑफ फूड. देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मोलर टीथ, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर एंड थर्ड मोलर. मोलर हमारे निचले मजबूत और चौड़े दांत मोलर कहलाते हैं. ये भी खुराक को चबाने के काम आते हैं. इसकी तीन किस्में हैं, फर्स्ट मोलर, सेकेंड मोलर एंड थर्ड मोलर. बोन्स, बोन्स इन आवर बॉडी आर लिविंग टिश्यूज. दे हैव देयर ओन ब्लड वेसल्स एंड आर मेड ऑफ लिविंग सेल्स विच हेल्प देम टू ग्रो एंड टू रिपेयर देमसेल्व्स. बोन्स आर मेड ऑफ प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. बोन्स, हड्डियाँ. हमारे जिस्म की हड्डियाँ जानदार खुलियों से बनती हैं. ये जानदार होती हैं क्योंकि ये बढ़ती हैं. इनके अपने जानदार खुलिए और खून की शरियाने होती हैं जो इनको बढ़ने और दोबारा जुड़ने में मदद देती हैं. हड्डियाँ प्रोटीन्स, मादनियात और विटामिन से बनती हैं. वी आर बॉर्न विद 300 सॉफ्ट बोन्स. सम ऑफ दीज बोन्स लेटर फ्यूज टुगेदर सो दैट द एडल्ट स्केलेटन हैज़ 206 बोन्स. हम 300 नरम हड्डियों के साथ पैदा होते हैं और बाद में यही हड्डियां जोड़कर 206 रह जाती हैं. जवान इंसान के ढांचे में 206 हड्डियां होती हैं. फंक्शंस ऑफ बोन्स, द फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ बोन्स. हड्डियों के काम, अब हम हड्डियों के कामों के बारे में पढ़ेंगे. प्रोटेक्शन, बोन्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू वाइटल ऑर्गन. फॉर एग्जांपल, स्कल प्रोटेक्ट्स ब्रेन, रिब केज प्रोटेक्ट्स हार्ट एंड पेल्विस बोन्स प्रोटेक्ट इंटेस्टाइन्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स. प्रोटेक्शन, हिफाजत. हड्डियां हमारे अहम अज़ू की हिफाजत करती हैं. मसलन, खोपड़ी हमारे दिमाग की, पसलियां दिल की और पेल्विस बोन्स आंतों और पैदा करने वाले अज़ा की. पेल्विस बोन्स हमारे कमर के नीचे वाली हड्डियां कहलाती हैं. सपोर्ट, सहारा. बोन्स प्रोवाइड अ फ्रेमवर्क फॉर द अटैचमेंट ऑफ मसल्स एंड अदर टिश्यूज. ये जिस्म को सहारा देने और खड़ा रखने में मदद देती हैं. ये एक फ्रेम की तरह होती हैं जो पट्ठों और बाफ्तों को आपस में जोड़ती हैं. मूवमेंट, बोन्स एनेबल बॉडी मूवमेंट बाय एक्टिंग एज अ लीवर एंड पॉइंट ऑफ अटैचमेंट. मूवमेंट, हरकत. हड्डियों की वजह से हमारा जिस्म हरकत करने के काबिल होता है. अगर हड्डियां ना होती तो हम ना उठ सकते, ना चल फिर सकते, ना भाग सकते. ये एक लीवर की तरह होती हैं जो लीवर जो है एक ऐसी चीज़ जो कि भारी चीज़ों को उठाने में मदद देता है. ब्लड सेल प्रोडक्शन. ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन रेड बोन मैरो विच इज़ फाउंड इन द बोन कैविटीज. ब्लड सेल प्रोडक्शन, खून के खुलियों का बनना. खून के खुलिए सुर्ख खून के गूदे में पाए जाते हैं जो कि हड्डियों के अंदर मौजूद होते हैं. मसल्स, एलोंगेटेड फाइबर्स ऑफ द बॉडी विच कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स टू प्रोड्यूस मोशन आर कॉल्ड मसल्स. मसल्स फॉर्म मस्क्यूलर सिस्टम. वी हैव मोर देन 600 मसल्स इन आवर बॉडी. दे डू एवरीथिंग रिलेटेड टू द मूवमेंट इन आवर बॉडी. इट सर्व्स टू होल्ड. मसल्स, पट्ठे.
ये जिस्म के लंबे रेशे कहलाते हैं जो सिकुड़ते और ढीले होते हैं। इसकी वजह से हमारे जिस्म में हरकत पैदा होती है। मसल्स मस्कुलर सिस्टम यानी पट्ठों का निज़ाम बनाते हैं। हमारे जिस्म में 600 से ज़्यादा पट्ठे होते हैं। ये वो तमाम काम करते हैं जो जिस्म की हरकत से जुड़े होते हैं। नाउ कम टू पेज नंबर 6। द स्ट्रक्चर अलॉन्ग टुगेदर एंड कीप देम स्टेबल। दे हेल्प अस इन पम्पिंग ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी एंड हेल्प अस इन लिफ्टिंग आवर हैवी स्कूल बैग्स। इनकी वजह से हमारे जिस्म की बनावट या साख्त इकट्ठी और मुतवाजन होती है। इनकी मदद से खून हमारे जिस्म में गर्दिश करता है और हमें स्कूल के भारी बैग्स उठाने में भी मदद मिलती है। मसल्स अटैच विद बोन थ्रू टेंडन्स। वेयर टेंडन्स आर अ काइंड ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज, लिगामेंट्स आर ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यूज। दे कनेक्ट वन बोन इन टू अनदर बोन। पट्ठे टेंडन्स की वजह से हमारी हड्डियों से जुड़े होते हैं। टेंडन्स कनेक्टिव टिश्यू यानी जुड़े रहने वाले बाफ्तों की किस्म होती है। लिगामेंट्स भी कनेक्टिव टिश्यू कहलाते हैं। ये एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ते हैं। स्टमक। स्टमक इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल विच इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर। इट लाइज जस्ट बिलो द रिब्स। इट इज प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट कैविटी। इट्स वॉल्यूम इज अबाउट 1 to 5 liters। स्टमक मैदा। मैदा एलिमेंट्री कैनाल का हिस्सा कहलाता है। प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं एलिमेंट्री कैनाल क्या है? एलिमेंट्री कैनाल हमारे मुंह से शुरू होकर मकत तक का हिस्सा एलिमेंट्री कैनाल कहलाता है। इसकी साख बोरी या बैग की तरह होती है। ये पसलियों के नीचे पाया जाता है। ये हमारी चेस्ट कैविटी के बाएं तरफ होता है। इस पे 5 liters तक की खुराक आ सकती है। द वॉल्स ऑफ स्टमक आर मेड अप ऑफ इलास्टिक एंड स्मूथ मसल्स। स्टमक कंटेन गैस्ट्रिक जूसेज विच डाइजेस्ट द फूड। गैस्ट्रिक जूस ऑल्सो किल्स द जर्म्स। इसकी दीवारें नरम और लचकदार पट्ठों से बनी होती हैं। मैदे में एक तेजाबी रतूबत होती है जो खुराक को हजम करने में मदद देती है और जरासीम को मारती है। स्टूडेंट्स, This is the end of part 1. We will continue this chapter in the next class. Stay home, stay safe. Allah Hafiz.